बुंदेलखंड के मशहूर एक ईमानदार जो कि झांसी के अंदर वो काम वो नाम रोशन करने वाले स्वर्गीय श्री मूलचंद यादव बापू जी, जो कि आज झांसी के अंदर पत्रकार भवन के अंदर आज जो समारोह पत्रकार का हुआ है, आज जो पूरी तिथि आज मनाई जा रही है, जानते हैं भाई साहब से कि किस प्रकार का आज ये कार्यक्रम है। सर आज जी कुछ यादें कुछ पल बताओगे सर? गुजर मूलचंद यादव पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर थे बुंदेलखंड में। उनकी पत्रकारिता का लोहा पूरा उत्तर प्रदेश माना करता था। मूलचंद जी के मुकाबले निर्भीक और निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता अब देखने को नहीं मिलती है। मूलचंद जी अपने आप में एक मिसाल थे। मूलचंद जी ने जब तक पत्रकारिता की, इतनी निर्भीक पत्रकारिता थी कि आज भी उसको पूरे बुंदेलखंड में याद किया जाता है। आज मूलचंद जी की हम 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये स्वर्गीय मूलचंद यादव खोजी फाउंडेशन के तत्वावधान में उनके भतीजे राकेश यादव द्वारा आयोजित की जाती रही। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश राज कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये मनाते थे और अवार्ड दिया करते थे दो पत्रकारों को, दो प्रेस फोटोग्राफों को। आज भी दो पत्रकारों और दो प्रेस फोटोग्राफों को सम्मानित किया गया है। आज मूलचंद जी की पत्रकारिता का लोहा पूरा पत्रकार जगत मानता है। मूलचंद जी ने जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता की, उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। मूलचंद जी एक ऐसे परिवार से थे जहां पत्रकारिता की कल्पना करना दुरुचित थी। वो एक नीचे परिवार से आए, उनके पिता बैलगाड़ी चलाया करते थे, भाई तांगा चलाया करते, घर में गाय का दूध का काम होता था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्रकारिता पेशा चुना और उसको पत्रकारिता पेशा को ऊपर तक पहुंचाया। आज भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं भी मूलचंद जी का नाम लिया जाता है तो पत्रकारिता के लिए लोग कहते हैं अगर कोई पत्रकारिता था बुंदेलखंड में तो मूलचंद यादव। आइए मैं ले देता हूँ सीधे आपको मूलचंद यादव जी के जो भतीजे हैं आज मौजूद हैं उनके अध्यक्षता में जो कार्यक्रम रखा गया है। ऐसा कुछ एक दो पल यादगार आदरणीय मूलचंद यादव खोजी पत्रकार जी हमारे चाचा जी थे। 2001 में उनकी हत्या हो गई थी और उसके बाद से हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं यहाँ पर। और पत्रकारिता के क्षेत्र में निडर और निर्भीक पत्रकार थे, इसलिए हम दो पत्रकार दो छायाकारों को सम्मानित करते हैं कि वो उनसे आदर लें, प्रेरणा लें और अच्छी खोज परक पत्रकारिता करें ताकि बुंदेलखंड समाज के लोग को लाभ हो। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, जिला झांसी।